इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसकी कई ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसती है, दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा। ये पूर्वी एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडोनेशिया मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैला हुआ देश है। इंडोनेशिया विविधताओं से भरा देश है जिनमें 300 से ज़्यादा स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल होता है। इंडोनेशिया में किसी और देश की तुलना में सबसे ज़्यादा द्वीप है, 14,000 से भी ज़्यादा, जिनमें हजारों द्वीप पर कोई नहीं रहता। इंडोनेशिया की जनसंख्या 25 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा है और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के समूह G20 का सदस्य भी है। इंडोनेशिया को पारंपरिक रूप से बेहद समृद्ध माना जाता है और इस देश में त्यौहार की धूम रहती है। इंडोनेशिया का प्राचीन भारत से भी संबंध रहा है। आज भी यहाँ के त्यौहार में भारतीयता की झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ प्राचीन हिंदू मंदिर भी है जो इस बात की गवाही देते हैं इस देश में बड़ी संख्या में भारतीय बसते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडोनेशिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े द्वीप वाला देश है। यहाँ पर द्वीपों की संख्या 14,000 से अधिक है। कमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु है। इंडोनेशिया में वनों की कटाई दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडोनेशिया इस्लामी आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें से नीले रंग की लपटी निकलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी कब्जे के दौरान इंडोनेशिया के लोगों को श्रम के लिए मजबूर किया था, जिसमें 4 लाख लोगों की अकाल मौत हो गई थी, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है। मध्य जावा का बोरोबुंदर मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इस मंदिर को 2672 राहत पैनलों और 504 बुद्ध की प्रतिमाओं से सजाया गया है। इंडोनेशिया डॉली दक्षिण पूर्व एशिया जिले में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। जकार्ता के गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम को दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक माना जाता है। 1962 में एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। इंडोनेशिया की झील तोबा दुनिया की सबसे बड़ा ज्वालामुखी झील है। बहासा इंडोनेशिया की प्रमुख मुख्य भाषा है, लेकिन देश में 700 से अधिक ज्यादा दूसरी भाषाएं बोली जाती है। वनस्पति और प्राणियों की विविधताओं के कारण इंडोनेशिया ब्राजील के बाद विश्व में दूसरा बड़ा जैव विविधता वाला देश है। दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश होने के बावजूद लगभग आधे से ज्यादा इंडोनेशिया की आबादी $2 प्रतिदिन से अपना गुजारा कर लेती है। इंडोनेशिया जायफल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, जो यहाँ के बांदा द्वीप का मूल्य उत्पाद है। अंग्रेजी का केचप शब्द इंडोनेशिया की केकप शब्द से आया है, जो यहाँ की मीठे सोया सॉस को कहते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता विश्व में बिना मेट्रो ट्रेन सिस्टम के सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र है, जिसकी वजह से विश्व में सबसे पूरे ट्रैफिक जाम का यहाँ सामना करना पड़ता है। इंडोनेशिया की 87.2% आबादी मुस्लिमों की है, जो विश्व में सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। सुमात्रा द्वीप को वास्तविकता में सुवर्ण द्वीप नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया सरकार ने केवल 6 धर्म इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक मत और कन्फ्यूशियवाद को मान्यता दे रखी है। हर इंडोनेशियन नागरिक को इनमें से किसी एक धर्म का मानना होना जरूरी है, भले ही उसकी मान्यता कोई और हो। अलग अलग धर्म के कोई भी जोड़े आपस में कानूनन तब तक विवाह नहीं कर सकते जब तक कि वो धर्मांतर ना कर ले। इंडोनेशिया में विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील दानू झील है, जो सुमात्रा में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 70,000 वर्ष पहले यहाँ ज्वालामुखी फूटा था, जो विश्व इतिहास का सबसे भयंकर ज्वालामुखी था। इंडोनेशिया में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी मुख्यतः बाली द्वीप पर रहती है।
16 दिसंबर 2004 को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप सुमात्रा द्वीप के तट पर आया था, जिसकी तीव्रता 9.3 से भी ज्यादा थी। इसकी वजह से आई सुनामी में हिंद महासागर के दर्जनों देशों में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी इंडोनेशिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य देश की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।